नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 7 मिनट में सासाराम। नोखा थाना के बराव गांव में एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जिसमें एक वार्ड सदस्य पद के प्रत्याशी ने हारने के बाद अब नहीं गांव के कुछ लोगों के साथ मारपीट कर लिया है। आपको बता दें कि इस मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों नोखा प्रखंड में संपन्न हुए चुनाव में व्यक्ति वार्ड सदस्य पद के लिए खड़ा था, जो कि हार गया, और हारने के बाद आज किसी न किसी कारण को लेकर उन्होंने 3 लोगों को पीट कर घायल कर दिया है, जिसमें घायल हुए व्यक्ति का नाम राम बिहारी का है, राम किशोर है, उमेश राम बताया जा रहा है। ये तीनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संझौली थाना के सिखटी गांव में आपसी विवाद के चलते कुछ लोगों ने अपने ही घर के एक महिला को मार पीट के गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल महिला का नाम इंदु देवी है, जो कि जिसके पति का नाम संजय सिंह है, जिसको बेहतर इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। काराकाट थाना के गोराड़ी गांव में 2 पक्षों में हुए मारपीट में एक अजीब और गरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के बकरी को पत्थर से पीट कर मार दिया गया है। यह मामला दिलचस्प और तब हो गया जब उस मृत बकरी को बोरे में लेकर एक महिला एसपी ऑफिस न्याय की गुहार लगाने पहुंच गई। जिले के टेहरी प्रखंड अंतर्गत भेड़िया गांव में एक नवनिर्वाचित मुखिया के काफिले पर हमला किया गया है। आपको बता दें कि एक नवनिर्वाचित मुखिया छोटी देवी अपने चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र के अपने पंचायत के लोगों का धन्यवाद गांव गांव घूमकर कर रही थी। उसी दौरान एक पराजित मुखिया ने उनके काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें कुछ लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। जिले के दिनारा थाना अंतर्गत नरवर गांव में एक महिला की मौत आग से जलकर हो गई है। हालांकि इस मामले में मृतक महिला के चाचा ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक महिला का नाम प्रियतमा देवी है, जिसके पति का नाम चित्रंजन सिंह है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दिनारा थाना के पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर सासाराम के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शिवसागर थाना के मोरसराय में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में हुई मारपीट में एक 16 वर्षीय लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका नाम प्रिंस कुमार है, जो कि कुम्हौ गांव का रहने वाला है। मौके पर पहुंची शिवसागर थाना के पुलिस ने घायल लड़के को बेहतर इलाज सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। दरी थाना अंतर्गत आने वाले कादिरगंज मोहल्ले से दरीगांव थाने के पुलिस ने एक व्यक्ति को महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया है, जिसका नाम कलाम फारूकी बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किया गया व्यक्ति महुआ शराब लेकर कहीं जा रहा था, जिसको गुप्त सूचना के आधार पर थाना के द्वारा पकड़ लिया गया है। सासाराम के तकिया मोहल्ले में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 व्यक्तियों को अवैध महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों का नाम रामचंद्र शंकर एवं अशोक शंकर बताया जा रहा है, जिनको उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों लोग अवैध तरीके से महुआ शराब लेकर जा रहे थे, जिनको गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है। सासाराम के सबल 30 निःशुल्क शिक्षण संस्थान में आज सुबह सुबह 6 बजे टेस्ट का आयोजन कराया गया। आपको बता दें कि सबल एक समाजसेवी संस्था है, जो कि छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी तैयारी कराता है। आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए 7 मिनट में सासाराम। धन्यवाद।